नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव ने आनंद मोहन और उनके बेटे चेतन आनंद को नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि सोच को बदलिए, सोच ही वो सब कुछ है, जिसे लेकर मनोज झा ने संसद में बयान दिया है, जो हिटलर आपके अंदर बैठा है उसे मारने की ज़रूरत हर किसी को है। उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जो किसी जाति और व्यक्ति को ठेस पहुंचाए। पप्पू यादव ने इशारों में आनंद मोहन और उनके बेटे चेतन आनंद को बहुत कुछ कह दिया। सुनिए जाप सुप्रीमो ने क्या कुछ कहा। देखिए, हम तो पहले ज़रूर कहेंगे कि हम सबको बेहतर पढ़ाई की ओर हर राजनेता और हर परिवार के लोगों को जाना चाहिए। संदर्भ क्या है, सरकमटांसियल क्या है, वो थॉट क्या था, हम बोल कहां रहे थे राज्यसभा में, मुद्दा क्या था, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, फिर चुहिया की चुहिया। आपने तो 5 दिनों का जबरदस्ती आपने एक पार्लियामेंट बुला लिया और ना आपने किसी मुद्दों को दिया और ना ही आप हिंदुस्तान के 85% लोगों के साथ न्याय कर पाए और लेके चले गए 33 के बीच में बिना जाति जनगणना और परिसीमन के आप लोकसभा का परिसीमन कर सकते हैं, लोकसभा का चयन, कि हर एमपी एमएलए मंत्री और व्यवस्था चलाने वाले लोगों के भीतर हिटलर चंगेज खां रावण कंस यजीद जैसी प्रवृत्ति, किसी भी तरह के सामाजिक शोषण के खिलाफ सामंती मानसिकता, जैसे मैंने कहा कि आज के डेट में यदि मैं ठाकुर किसी को कहूंगा तो वो अदानी और अंबानी होगा, हमसे कोई पूछेगा। यदि मैं ठाकुर किसी को कहूंगा तो इस देश का सर्वश्रेष्ठ वो नेता जो धर्म और मजहब और जाति के आधार पर नफरत पैदा करता है, उसको अपने भीतर इस तरह के सामंती मानसिकता को निकालना चाहिए। ठाकुर तो ब्राह्मण को भी कहा गया, ठाकुर नाई को भी कही गई है, जैसे राय भूमियार को, राय जाधव को, राय कामत को, राय आमत को, राय कुर्मी को। अभी जाति जनगणना होगा तो कौन सा टाइटल किस जात के पीछे लग जाएगा, क्षत्रिय समाज या राजपूत समाज या किसी भी समाज की भूमिका आप देखिएगा तो इक्वल है। यदि रामायण में राम का कैरेक्टर है तो वाल्मीकि का भी है। बौद्ध के प्रसंग में यदि अशोक और सिकंदर को देखिएगा, बुद्ध के बाद तो उसकी भी है। आप किसी चीजों को दरकिनार नहीं कर सकते, सबका रिश्ता दूध और मिश्री की तरह, एवरीवन एंड एवरीबॉडी। कोई भी व्यक्ति जो किसी भी तरह के धर्म, समाज, समूह, लिंग, भाषा, क्षेत्र के विचार, उसकी स्वतंत्रता, उसके जीने के तरीके में दखल देता हो और सत्ता के लिए इंसानियत और मानवता को खत्म करता है और देश के मुद्दे गायब हो जाएं, आर्थिक आजादी, महंगाई का, रोजगार का, बिहार के विशेष राज्य या देश के इकोनॉमी का मुद्दा ही गायब हो जाए और सिर्फ नेपोलियन और हिटलर और चंगेज खां की तरह एको हम द्वितीयो नास्ति आई, ये अहंकार किसी का नहीं रहा। मैं जहां मैं है वहां हरि नहीं है। महाराणा प्रताप का भी इतिहास पढ़ना चाहिए लोगों को, क्या उत्कृष्ट इतिहास था, एक नहीं कई इतिहास है बाबू वीर कुमार सिंह से लेके
राम के कैरेक्टर से लेकर के आज तक महाभारत की भूमिका में यदि कृष्ण भगवान थे और हैं तो अर्जुन की भी भूमिका, द्रौपदी की भी भूमिका, सब वो ब्राह्मणवाद व्यवस्था हो चाहे वो जिन शब्दों की वाल्मीकि ने जिस शब्द का माटी मिट्टी पानी घड़ा नाला रास्ता की जो दुहाई और चौपाई दी थी वह संदर्भ था जो समाज में उस वक्त सामंती मानसिकता का लोगों का कंप्लीट रूप से किसी भी तरह के हमारी आजादी को जीने की तैयारी नहीं थी। हम उस संदर्भ में बात कर रहे थे, इसीलिए मेरा आग्रह है कि हम वसुधैव कुटुंबकम से जाने जाते, प्रेम के अलावे मेरा रास्ता नफरत का कभी हो ही नहीं सकता। और मेरा स्पष्ट मानना है हम ना किसी कहावत है कि आस्था में दखल नहीं देनी चाहिए, मानो तो देव न तो पत्थर। कृष्ण यदि जादव थे तो अर्जुन क्षत्रिय राजपूत, कृष्ण की बहन की शादी अर्जुन से ना, और अर्जुन की बहन की शादी कृष्ण से ना, तो रिश्तेदार ही है ना हम लोग, कौन है? शिव ने एक परिवार दिया तो रिश्तेदार ही है ना हम लोग, कौन है?